कानपुर के कल्याणपुर में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी हॉस्पिटल संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, मामला कानपुर के कल्याणपुर स्थित न्यू शिवली रोड पर न्यू शुभ प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला का बीती 22 फरवरी से उपचार चल रहा था, जिसके बाद अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल संचालन पर आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर कल्याणपुर पुलिस पहुंच गई, परिजनों को शांत कराया और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं न्यू शुभ हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, शुभ हॉस्पिटल में खड़ा हूँ सर। पहले हमने अनंतराज में भर्ती कराया, वहाँ से रिफर हुए हैलट के लिए। हैलट में हमारी भाभी कुछ ठीक थी, वहाँ से इनका एक ललित नाम का कोई यहीं से गया, कपिल गया, वो वहाँ से रिफर करा के लाया कि तुम्हारे वहाँ मरीज ठीक हो जाएगा। यहाँ हम लेके आए 21 तारीख को भर्ती किया कराया गया, यहाँ इलाज चलता रहा। हमारे मरीज को हमारे सामने कोई दवा गोली हमारे सामने नहीं लगाई गई, वहाँ पर मरीज जहाँ लेटा था वो बस ये कहते रहे कि दवा चल रही है। हमारी बहू कल ख़त्म हो गई थी, यहाँ 5 दिन हो गए भर्ती कराए। हमने जो है 1 लाख रुपया तक यहाँ खर्चा कर दिया, अब कही रहे 75,000 रुपया और दो तब बॉडी मिलेगी। और कल बहू हमारी ख़त्म हो गई थी, आज सुबह हमको नहीं बताया, 10 बजे बताया कि अब तुम्हारी बहू ख़त्म हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।